काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टली प्राइम के आज के अध्याय में हम बताएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में अनसर्टन या मिसमैच ट्रांजैक्शंस क्या हैं और उन्हें कैसे रिजोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें जितनी भी परचेज और सेल्स करते हैं उसकी पूरी जानकारी हमें जीएसटी रिटर्न के रूप में सरकार को देना होती है। टली प्राइम में परचेस की टैक्स सहित पूरी जानकारी हमें GSTR2 में मिलती है और सेल्स की टैक्स सहित पूरी जानकारी हमें GSTR1 में मिलती है। हमें इन GSTR1 और GSTR2 को टली प्राइम से एक्सपोर्ट करके GST पोर्टल पर अपलोड करना होता है। हम इन दोनों रिपोर्ट्स के बारे में और GSTR3B के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि टली प्राइम पर हम GST से संबंधित बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। इन वीडियोस को आप ऑर्डर में देख सकें, इसके लिए इनकी प्लेलिस्ट की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और साथ ही कमेंट्स में पिन भी कर दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करने से पहले हमें चेक करना होता है कि परचेज और सेल्स के किसी ट्रांजैक्शन में हमने GST से संबंधित कोई गलती तो नहीं कर दी है। पर सवाल ये है कि हमें ये पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टली प्राइम ने हमें ये सुविधा दी है कि हम किसी ट्रांजैक्शन में की गई गलती को आसानी से ढूंढ सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। चलिए इस काम को टली पर करके फिर समझते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में बना रहे हैं। कुछ मिसमैच को हम इस पहले पार्ट में समझेंगे और कुछ को दूसरे पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझाने में समय कम लगे इसलिए हमने पहले से ही एक कंपनी अनसर्टन ऑब्लिक मिसमैच ट्रांजैक्शन 1 के नाम से स्टेट में मध्य प्रदेश सिलेक्ट करके बना ली है। साथ ही इसमें कुछ जरूरी लेजर्स और स्टॉक आइटम्स बनाकर कुछ ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। अभी हमारी कंपनी ओपन है, इसमें हमने परचेस की किसी एंट्री में कोई गलती तो नहीं की है ये देखने के लिए हम GSTR2 पर चलते हैं। यहाँ पर आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो अप्रैल माह की आ रही है और हमें यही चाहिए। यदि आप पीरियड बदलना चाहें तो F2 की को प्रेस करके बदल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ इस वाले सेक्शन में हमें B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट / डेबिट नोट रेगुलर, B2B UR इनवॉइसेस इत्यादि बहुत सारे टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। हम परचेस से संबंधित जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उन सभी की GST रिपोर्ट हमको यहाँ पर दिखाई देती है। कौन सा ट्रांजैक्शन किस टेबल में दिखाई देता है ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब यदि हम परचेस के किसी ट्रांजैक्शन में GST से संबंधित कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वो इस सेक्शन में संबंधित टेबल में दिखाई देने के साथ साथ अलग से इनवॉइसेस विद मिसमैच इन इंफॉर्मेशन में भी दिखाई देते हैं। यहाँ एक खास बात ध्यान रखें कि हम GST रिटर्न्स क्वार्टरली भरें या मंथली, हमें इन रिपोर्ट्स को प्रति माह महीना समाप्त होने के बाद ओपन करके इनमें जो भी मिसमैच हैं उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। ऐसा करने से इन रिपोर्ट्स में जो भी गलतियां हुई हैं वो हमें मालूम पड़ जाएंगी, जिससे कि आगे हम इस तरह की गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। ये देखिए, इनवॉइसेस विद मिसमैच इन इंफॉर्मेशन के आगे एक लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमने किसी एक इनवॉइस में मिस्टेक की है। हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे सामने लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस आ रही है। इसमें सबसे ऊपर नंबर ऑफ वाउचर्स विद इनकम्प्लीट / मिसमैच इन इंफॉर्मेशन लिखा दिखाई दे रहा है और इसके नीचे हम जितने प्रकार की मिस्टेक्स करते हैं वो यहाँ पर अलग अलग हेडिंग में दिखाई देती है। अभी हमने इस कंपनी में परचेस की केवल एक ही एंट्री की है और उसमें भी मिस्टेक की है।
इसलिए हमें बस एक ही हेडिंग दिखाई दे रही है, जो है UOM Not Mapped to Unit Quantity Code। यहाँ पर UOM का फुल फॉर्म है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इस पूरे वाक्य का मतलब ये हुआ कि हमने स्टॉक आइटम के लिए जो यूनिट क्रिएट की थी उसमें यूनिट क्वांटिटी कोड यानी UQC सिलेक्ट नहीं किया है, और इसके सामने टोटल वाउचर्स में ये दिखाई देता है कि कुल कितने इनवॉइसेस में इस प्रकार की मिसमैच है। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने नंबर्स के यूनिट बनाते समय कौन सी इन्फॉर्मेशन दी थी और कौन सी नहीं दी थी। जैसे हमने यूनिट का सिंबल और यूनिट का फॉर्मल नेम तो डाल दिया था, पर यूनिट क्वांटिटी कोड जो कि जीएसटी के लिए जरूरी है वो सिलेक्ट नहीं किया था, और बस इसी कारण से ये अनसर्टन ट्रांजेक्शन में आ गया। हम यहीं से इस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यूनिट अल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। हम यूनिट क्वांटिटी कोड में NOS नंबर्स सिलेक्ट करके इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी इस UQC की मिस्टेक का प्रभाव GSTR1 में भी दिखाना चाहते हैं, इसलिए इसको ठीक नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम GSTR1 पर चलते हैं और देखते हैं कि सेल्स के ट्रांजेक्शन में हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं। ये देखिए GSTR1 रिपोर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ हमें अपनी कंपनी का GST नंबर दिखाई देता है, यहाँ राइट साइड में पीरियड दिखाई दे रहा है। आप आगे बढ़ते हैं, हम सेल्स के जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनमें से जितने भी ट्रांजेक्शन एरर फ्री रहते हैं यानी जिनमें कोई मिस्टेक नहीं होती है, वे सभी अपने नेचर के अनुसार B2B इनवॉइसेस, B2C लार्ज इनवॉइसेस, B2C स्मॉल इनवॉइसेस इत्यादि इन नो टेबल्स में से किसी न किसी में दिखाई देते हैं। और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं B2B में 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, B2C स्मॉल इनवॉइसेस में 1 ट्रांजेक्शन है, और नील रेटेड इनवॉइसेस में भी 1 ट्रांजेक्शन है। और इस तरह GSTR1 में अभी टोटल 6 ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड हुए हैं, यानी ये 6 ट्रांजेक्शन्स एरर फ्री हैं। इसके अलावा जिन ट्रांजेक्शन्स में हमसे GST से संबंधित कोई मिस्टेक हो गई है वे अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम इनकी मिस्टेक्स ठीक करते जाएंगे ये ट्रांजेक्शन्स यहां से हटकर नीचे इस सेक्शन में आते जाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि हमने GSTR2 में देखा था कि परचेस से संबंधित जिन ट्रांजेक्शन में मिस्टेक होती है वे इनवॉइसेस विद मिसमैच इन इंफॉर्मेशन में तो दिखाई देते ही हैं, इस सेक्शन में भी दिखाई देते हैं, जबकि GSTR1 में सेल से संबंधित जिन ट्रांजेक्शन्स में मिस्टेक होती है वे सिर्फ अनसर्टन ट्रांजेक्शन में दिखाई देते हैं यानी नीचे इस सेक्शन में नहीं दिखाई देते। चलिए अब अनसर्टन ट्रांजेक्शन पर जाकर इंटरप्रेस करते हैं। GSTR2 की तरह ही यहां भी लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस आ रही है, जिसमें सबसे पहले नंबर ऑफ वाउचर्स विद इनकम्प्लीट ऑब्लिक मिसमैच इन इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, और इसके आगे 4 लिखा है यानी कुल 4 वाउचर्स में मिस्टेक हुई है, और इनमें किस तरह की मिस्टेक है वो नीचे अलग अलग हेडिंग में दिखाई दे रही है। इन हेडिंग के आगे इस तरह की मिस्टेक कितने वाउचर में की गई है ये संख्या भी लिखी होती है, जैसे कि यहाँ इस पहली वाली मिसमैच के सामने 1 लिखा हुआ है यानी हमने 1 वाउचर में यूनिट से संबंधित मिस्टेक की है, और इस दूसरी वाली के सामने 3 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की मिसमैच हमने 3 ट्रांजेक्शन्स में की है। इस तरह की और भी कई मिसमैच हो सकती हैं, जिन्हें हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। चलिए अब इन मिसमैचेस को ठीक कर लेते हैं। पहली मिसमैच है UOM Not Mapped to Unit Quantity Code। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यह मिसमैच तब आती है जब हम स्टॉक आइटम के लिए जो यूनिट क्रिएट करते हैं उसमें UQC सिलेक्ट नहीं करते।
हम इस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमने नंबर्स की जो यूनिट क्रिएट की है उसमें यूनिट क्वांटिटी कोड सिलेक्ट नहीं किया है। चलिए हम इसको यहीं से ठीक कर लेते हैं, उसके लिए एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यूनिट ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है, हम एंटर प्रेस करते हुए यूनिट क्वांटिटी कोड पर आ गए हैं। यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड्स की लिस्ट आ रही है, इसमें से हमें नंबर्स का UQC सिलेक्ट करना होगा जो कि NOS नंबर्स है। इसके लिए हम NOS टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप की प्रेस करते हुए पीछे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से यूनिट वाली जो मिसमैच थी वो चली गई है। अब चूंकि अभी हमने GSTR2 और GSTR1 दोनों में ही जो मिसमैच देखी थी वो नंबर्स वाली यूनिट से संबंधित थी, और चूंकि हमने उस यूनिट में करेक्शन कर दिया है तो यूनिट वाली मिसमैच GSTR2 से भी चली गई होगी। हम एक बार और एस्केप की प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पर टोटल वाउचर्स 4 थे जो कि अब 3 ही रह गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रांजेक्शन अनसर्टन ट्रांजेक्शन से निकलकर B2B इनवॉइसेस में आ गया है, जिससे B2B इनवॉइसेस की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। चलिए वापस अनसर्टन ट्रांजेक्शन पर चलते हैं और अगली मिसमैच देखते हैं। अब यहाँ एक ही प्रकार के मिसमैच बची है और वो है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। जब हम किसी ट्रांजेक्शन में GST नंबर से संबंधित कोई गलती कर देते हैं तो इस तरह की मिसमैच आती है। चलिए इस पर एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके आगे टाइप ऑफ एक्सेप्शन में लिखा है कि इनमें किस प्रकार की मिसमैच है। पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसमें टाइप ऑफ एक्सेप्शन में लिखा है GSTIN/UIN इज नॉट स्पेसिफाइड/इनवैलिड। यानी इस ट्रांजेक्शन में जो पार्टी है उसका GST नंबर नहीं डला है या फिर इनवैलिड या अमान्य नंबर डाल दिया है। ये देखिए, यहाँ पार्टी GSTIN/UIN वाले कॉलम में हमें इस पार्टी का GST नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हम इस पार्टी का GST नंबर डालना भूल गए हैं। चलिए हम यहीं से पार्टी का GST नंबर डाल देते हैं, उसके लिए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऊपर पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका GST नंबर टाइप कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही ये ट्रांजेक्शन यहाँ से चला गया है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसमें भी टाइप ऑफ एक्सेप्शन में लिखा है GSTIN/UIN इज नॉट स्पेसिफाइड/इनवैलिड। मतलब इस ट्रांजेक्शन में भी GST नंबर से संबंधित मिसमैच है। चलिए देखते हैं क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पार्टी GSTIN/UIN में GST नंबर तो दिखाई दे रहा है, यानी हमने इस पार्टी का GST नंबर तो डाला है, फिर भी हमको ये मैसेज आ रहा है। तो अब हम इस पर एंटर प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि हमने GST नंबर में क्या गलती की है। यहाँ पर देखिए, हमने जो GST नंबर डाला है वो केवल 14 डिजिट का है, जबकि हम जानते हैं कि GST नंबर पूरे 15 डिजिट्स का होता है। हम इस GST नंबर को हटाकर इस पार्टी का सही GST नंबर टाइप कर देते हैं और अब इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ से चला गया है। अब यहाँ पर केवल एक ही ट्रांजेक्शन बचा है, इसमें टाइप ऑफ एक्सेप्शन में लिखा है कंपनी एंड पार्टी GSTIN/UIN कैन नॉट बी द सेम। मतलब ये हुआ कि कंपनी और पार्टी का GST नंबर एक जैसा नहीं हो सकता है। मतलब ये कि इस पार्टी के लेजर में हमने उसके GST नंबर की जगह पर अपनी ही कंपनी का GST नंबर डाल दिया है। चलिए इसको भी ठीक कर लेते हैं, इसके लिए एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ हम अपने GST नंबर को हटाकर उसकी जगह पर गुप्ता ट्रेडर्स का GST नंबर टाइप कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही वो ट्रांजेक्शन यहाँ से चला गया है। अब एस्केप की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस में एक भी मिसमैच नहीं बचा है, यानी हमने सभी मिसमैच सॉल्व
कर लिए हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि आप जिस पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं उस पार्टी का सही जीएसटी नंबर ही डालें। यदि आप भूल से उसके लेजर में किसी दूसरी पार्टी का जीएसटी नंबर डाल देते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी अपने ही प्रदेश की हो या फिर किसी अन्य प्रदेश की, तो ऐसा करने पर लेजर क्रिएट करते समय किसी भी प्रकार की गलत जीएसटी नंबर की वार्निंग नहीं आती है और ना ही इसको लेकर किया गया ट्रांजेक्शन अनसर्टन ट्रांजेक्शंस में दिखाई पड़ता है। ये देखिए, यहां अनसर्टन ट्रांजेक्शंस में पहले 4 ट्रांजेक्शंस थे जिन्हें हमने सॉल्व कर लिया है, इसलिए सभी ट्रांजेक्शंस यहां से चले गए हैं और यहां B2B में इंक्लूड हो गए हैं। साथ ही यहां नीचे टोटल में जो 6 लिखा हुआ था उसकी जगह अब ये 10 आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मिसमैच ऐसे हैं जिन्हें हम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हुए अच्छे से समझ सकते हैं। एक है कंट्री स्टेट एंड डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड। यह मिसमैच तब आता है जब हम किसी ट्रांजेक्शन में पार्टी के लेजर और पार्टी डिटेल्स में स्टेट को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। मान लीजिए 2 अप्रैल को हमने बिहार के कस्टमर मोहन ट्रेडर्स को 14,000 रुपए प्रति प्रिंटर के भाव से 4 प्रिंटर उधार बेचे। चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। मोहन ट्रेडर्स का लेजर बना हुआ नहीं है तो हम इसे बना लेते हैं। यहां स्टेट में नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पार्टी डिटेल्स में भी स्टेट को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब यहां IGST सिलेक्ट करेंगे। देखिए टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम मैन्युअली टैक्स टाइप कर देंगे और कंट्रोल और A प्रेस करके इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसकी जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं। यहां से B2B में जाएंगे। ये देखिए, हमने अभी जो एंट्री की है वो हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। हम स्केप की से वापस चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अनसर्टन ट्रांजेक्शंस के आगे 1 लिखा है, मतलब वो एंट्री यहां पर आ गई है। हम इस पर चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कंट्री स्टेट एंड डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड वाला मिसमैच यहां पर दिखाई दे रहा है और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है उसमें पार्टी के लेजर में और पार्टी डिटेल्स में स्टेट को नॉट एप्लीकेबल कर दिया था। अब हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, हमने जो एंट्री की थी वो यहां दिखाई पड़ रही है। इसमें हमने स्टेट नहीं डाला है तो यहीं से हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि अभी हमने जो स्टेट सिलेक्ट किया है वो पार्टी के लेजर में भी सेट हो जाएगा, यानी हमें अब पार्टी के लेजर में ऑल्टरेशन करके स्टेट डालने की जरूरत नहीं है। अब एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहां से ये मिसमैच चला गया है। अब हम B2B इनवॉइसेस में भी देख लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मोहन ट्रेडर्स को की गई सेल अब यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए अगला मिसमैच देखते हैं जो है टैक्स रेट / टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। इसे भी हम एक एंट्री के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 अप्रैल को अपने कर्नाटक के कस्टमर नेशनल ट्रेडर्स को 14,000 रुपए प्रति नग के भाव से सोनी टीवी 20 इंचेस के 4 नग बेचे। चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहां पर हमें सोनी टीवी 20 इंच सेलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है, तो हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। अब चूंकि इस आइटम पर 18% टैक्स लगता है तो यहां हमें सेट /ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके 18% टैक्स रेट सेट करना है, पर चूंकि हम यहां पर आपको यह मिसमैच समझाना चाहते हैं इसलिए हम इसे नो रहने दे रहे हैं।
यानी हम इस आइटम पर जीएसटी रेट सेट नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हम आईजीएसटी सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम मैन्युअली टैक्स टाइप कर देंगे। अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब इसकी जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं। ये देखिए ये ट्रांजैक्शन B2B इनवॉइसेस में न आकर अनसर्टन ट्रांजैक्शंस में आ गया है। यहां पर मिसमैच दिखाई दे रहा है, टैक्स रेट / टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ये मिसमैच तब आता है जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और उसमें किसी भी लेवल पर जीएसटी टैक्स रेट सेट नहीं करते हैं, या फिर जीएसटी रेट सेट करते समय टैक्सेबिलिटी में हम अननोन सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमने भी यही किया है। तो चलिए अब इस पर एंटर प्रेस करते हैं। अब यदि हम केवल इस ट्रांजैक्शन में इस मिसमैच को ठीक करते हैं तो भविष्य में जब भी हम इस स्टॉक आइटम को लेकर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे इसी तरह का मिसमैच फिर आएगा। इसलिए इसका सही हल ये है कि हम किसी भी लेवल पर टैक्स रेट सेट कर दें। अब चूंकि हम अपनी कंपनी में स्टॉक आइटम्स पर टैक्स रेट सेट करते आ रहे हैं, इसलिए इस आइटम को भी ऑल्टर करके टैक्स रेट सेट कर देते हैं। उसके लिए पहले एस्केप की प्रेस करेंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ वाउचर्स विद इनकम्प्लीट / मिसमैच इन इंफॉर्मेशन पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने नेशनल ट्रेडर्स को जो सेल की थी वो दिखाई दे रही है। हम इस पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं वाउचर ओपन हो गया है। अब हम स्टॉक आइटम पर जाकर कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे। स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। अब यहां पर हम टैक्स रेट सेट कर देते हैं। अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए टैक्स रेट / टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड वाला जो मिसमैच था वो ठीक हो गया है। और इसी के साथ B2B में वाउचर की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई है। तो दोस्तों अनसर्टन ट्रांजैक्शंस वीडियो के इस पार्ट में हमने इन मिसमैचेस को सॉल्व करना सीखा। अगले पार्ट में हम कुछ अन्य मिसमैचेस को सॉल्व करना सीखेंगे, इसलिए आगे वाला पार्ट भी जरूर देखें। धन्यवाद।